हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये पायल्स हर्बल हीना। हीना जो है वो एक तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो हर्बल हीना होती है ना बालों के टेक्सचर को भी अच्छा करती है। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ये हर्बल हीना। ये एक्चुअली मैंने अमेजोन से मंगवाया है। ये इसका प्राइस है 449 और ये आपको 500 ग्राम मिलेगा। 18 मंथ तक इसकी एक्सपायरी डेट है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है ये सिकाकाई, जो गुड़हल का जो फूल होता है वो है इसके अंदर, भृंगराज, मेथी पाउडर, आंवला, त्रिफला, हीना पाउडर, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होगी। अगर आपके बाल लाइट है तो वो हैवी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा कलर ही आपको देगी, क्योंकि जो गुड़हल का जो फूल होता है वो कलर के लिए बेस्ट होता है। ये जो हर्बल हीना है आपके बालों को मजबूत तो करेगी, साथ ही उनमें साइन लेके आएगी, कलर लेके आएगी, जो एक कॉपर शेड होता है ना उस तरीके के आपके बाल हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि अंदर इसके एक ये मैजिक बॉक्स है और एक पेपर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। घी हल्का गर्म करने के बाद उसमें ये हाफ स्पून डालना है और मिल्क डालना है और उसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। उसके बाद आपको अपने पूरे बालों पे अप्लाई कर लेना है। जो जड़ें होती है एक तरह से तेल का काम करेगा, ये ग्रोथ अच्छी बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा आपके बालों को। अप्लाई करने के बाद आपको 3 घंटे इसको रहने देना है अपने बालों में। उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है, फिर आपको ये जो मेहंदी है इसे अप्लाई करनी है। ये मेहंदी आपको किस तरीके से बनानी है, एक रात पहले ही कढ़ाई में, अब जो लोहे की कढ़ाई होती है ना उसमें पानी डाल के मेहंदी को मिला लीजिए, और उसमें आपको चीनी डालनी है आधी चम्मच, और एक नींबू का रस डालना है, और दही डालनी है 1 कप, और मिला के अपने बालों पे लगा लेना है। आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, एग जो होता है वो भी डाल सकते हो, आपको जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप मिला के और अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 3 घंटे मेहंदी रखनी है आपको, और उसके बाद आपको खाली पानी से ही वॉश करना है। मेहंदी लगाने से पहले आपको ये जो मैजिक बॉक्स है उसको अप्लाई कर लेना है, और शैम्पू से हेयर वॉश करके तब मेहंदी अप्लाई करनी है। ये जो हर्बल मेहंदी है ये बालों की जड़ों को इतना मजबूत कर देती है कि वो टूटते नहीं है, धीरे धीरे चमकना शुरू कर देते हैं। बालों की खूबसूरती को ये हर्बल मेहंदी बढ़ा देता है, तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। अपनी बात बताऊँ तो ये मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिर्फ मेहंदी ही लगाने से आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको मनपसंद कलर मिल जाता है सिर्फ एक चीज़ करने से, तो ये तो बहुत अच्छी है। तो आप यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी मेहंदी जो हर्बल मेहंदी होती है उससे आप यूज कर सकते हो। गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। समर का टाइम एक ऐसा होता है, गर्मियों का टाइम एक ऐसा होता है जिनमें आप अपने स्किन का और हेयर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपको ठंड नहीं लगती है, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। विंटर के टाइम में ऐसा होता है कि हम स्किप कर देते हैं, अपने बालों का अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब गर्मी स्टार्ट हो जाए तो आपको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका ख्याल रखें, ताकि विंटर में आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज मैं जिस फेस पैक का जो रिव्यू देने वाली हूँ वो है ये पायल्स हर्बल फेस पैक। ये जो फेस पैक है इसकी बात मैं क्या बताऊँ, अगर आप इसे समर के टाइम में लेते हो ना और अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना, तभी आपको पता चलेगा कि क्या इसका रोल है। पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो ये है 449 का, आई थिंक 450 का मुझे मिल गया था। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 18 मंथ की। 200 ग्राम आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है मुल्तानी, तुलसी, नीम, राइस, मसूर दाल, कपूर, हल्दी, चिरौंजी, बादाम। ये सारी चीज़ें ऐसी जो आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कोई महंगी से महंगी क्रीम लेने जाते हो वो भी आपके फेस को गोरा नहीं करती है, बस कहते हैं कि आपके फेस को गोरा कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रीम लगाने से गोरे नहीं होते, आपको ध्यान रखना होता है अपने फेस का, उसके बाद ही चेहरा जो है आपका वो चमकता है, शाइन करता है। ये जितने इंग्रेडिएंट्स है ना ये बहुत ही अच्छे हैं आपके फेस के लिए। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ।
इसको मैंने दो बार ट्राई किया है, आपको एक से दो बार में रिजल्ट पता चल जाएगा, इतना अच्छा है ये पाउडर फॉर्म में है। ये फर्स्ट टाइम कोई फेस पैक है मेरे ख्याल से कि जो पाउडर फॉर्म में है ये, और बहुत ही अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस, इसके अंदर भी है। मैंने जो आपको जो मेहंदी इसकी बताई थी उसमें भी एक सीक्रेट बॉक्स था, और ये जो फेस पैक है इसके अंदर भी एक सीक्रेट बॉक्स है। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल होते हैं तो इसको आपको लेना है और रोज वाटर में इसको मिला लेना है, और 5 मिनट तक अपने फेस पे लगाना है। जब वो 5 मिनट हो जाए इस वाले फेस पैक को अपने चेहरे पे ही लगाना है, इसको वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर ही इसको लगा लेना है। अब हम जानते हैं कि इसको लगाना किस तरीके से। तो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी फ्रूट है, जैसे पपाया हो गया, बनाना, एप्पल, कोई भी फ्रूट है उसमें आपको इसको मिलाना है और वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये जो है ये थोड़ा थिक पेस्ट लगता है आपके फेस के ऊपर, मोटी लेयरें की लगती है, और आपको 20 से 25 मिनट के लिए रखना होता है। अब सुनिए कैसा लगता है, एकदम ठंडा बिल्कुल। एक तो आपको खुशबू अच्छी आ रही है चारों तरफ से, मिट्टी की खुशबू आ रही, जायफल की आ रही है, कपूर की आ रही है, नीम, तुलसी, इतनी अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आती रहती है कि आपका जो मन है वह एकदम शांत हो जाता है, एकदम आप रिलैक्स फील करते हो। 20 से 25 मिनट हो जाने के बाद आपको उसको गीला करना है रोज वाटर से, और अपने फेस को मसाज देनी 5 मिनट तक। जो भी आप मसाज करोगे ना वो ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है ताकि रिंकल ना हो। मसाज करने के बाद आपको चेहरा अपना वॉश कर लेना है और रोज वाटर की आइस क्यूब ले ले, कोई भी आइस क्यूब है, चाहे मिल्क की है, नारियल पानी, जो भी आइस क्यूब आप बनाते हो। समर के टाइम में ना बहुत सारी आइस क्यूब बना के रख लो रंग बिरंगी, और अपने फेस को ऊपर ना बस लगाते जाओ। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपको वो रब कर लेना अपने फेस के ऊपर। अब इनका क्या होता है कि जब आप इसे लगाते हो तो वो एक तो पिंपल को हटाता है, आपका जो ये जो पोर्स है उसको ओपन कर देता है, उसके बाद जब आप ये फेस पैक लगाते हो ना तो वो अंदर तक जाता है बिल्कुल, और अंदर से ग्लो करता है, अंदर से जो आपकी जो फेस की जो लेयर होती है उसको शाइन करने में हेल्प करता है, चमकाने में हेल्प करता है, ग्लो लाता है आपके फेस के ऊपर, जो रिंकल जो हो जाते हैं, जो लाइनें पड़ जाती है उसको हटाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये बढ़ाता है, जिससे कि आपका चेहरा हेल्दी लगता है, शाइन करता है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है ये, कोई भी इसे यूज कर सकता है। आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है, साथ ही साथ आपके चेहरे को फेयर बनाने की हेल्प करता है, आपके चेहरे का टेक्सचर जो होता है उनको इम्प्रूव करता है, फेयर करता है। जो भी फ्रूट होता है फ्रूट में इसको अप्लाई करना है, और रोज वाटर में भी मिला के आप लगा सकते हो, जो दूध, जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल के अपने चेहरे पे लगा सकते हो। एक ही बार आप यूज करोगे आपको इसका इफेक्ट पता चल जाएगा, ये ग्लो आ जाता है आपके चेहरे के ऊपर, उसी टाइम आपको लगता है कि हाँ आपने कोई चीज़ अप्लाई करी है और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। अगर आपको डेली अप्लाई करना है तो फ्रूट आप ले लो और उसमें इसको आधे चम्मच के करीब डालो, और आप एक लेयर लगा के और रहने दीजिए 20-25 मिनट के लिए, वॉश कर लीजिए। अगर आप वीक में 3 बार ट्राई करते हो तो मोटी सी थिक लेयर लगाइए और मसाज करिए 5 मिनट तक, और उसके बाद चेहरा वॉश कर लीजिए। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं गाइस, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। चाहे आप ऐसा फेस पैक ले सकते हो जो समर के हिसाब से अच्छा हो, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसको वो ट्रीट कर पाए। सबसे पहले आपको क्लींजिंग करनी है अपने फेस की। क्लींजिंग कैसे होगी, आपको मिल्क लेना है, उसमें लेमन को निचोड़ना है, उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट आपको जैसा क्लींजिंग करते हो ना वैसे ही करना है, और अपना पानी से धो लेना है, उसके बाद ये सब अप्लाई करना है। अगर आपके पास ये फेस पैक नहीं है ना, सबसे अच्छा तरीका आप लोग मुल्तानी मिट्टी और जो चंदन पाउडर होता है, कोई भी फ्रूट ले लो और चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कर लो और उसकी थिक लेयर लगा लो, देखना रिजल्ट यही आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।